हाँ जी, तो कल था ट्यूसडे और कल मेरा फास्ट था। कल मंगलवार का फास्ट ना होके मेरा एकादशी का फास्ट था। एकादशी को आप ग्यारस भी बोलते हैं। जिन लोगों को पता है सो पता है, जिन लोगों को नहीं पता तो वो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि एकादशी या ग्यारस होती क्या है, वरना 15 दिन बाद मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूँ क्योंकि हर 15 दिन में एकादशी आती है। भिंडी दही को शेकर में डाल के पीने का मजा ही कुछ और है। अगर दही खट्टा है थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डालिए, मीठा हो जाएगा। शाम हो चुकी है और जिम जाने का टाइम हो चुका है। मैंने अभी भी एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरी ये वाली शॉर्ट्स है वाइट वाली, इसका जो इलास्टिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी हो गई है। और जो अभी मैं रेगुलर पहनता हूँ शॉर्ट्स, ये देखिए और इसको देखिए। तो इसको कुछ करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। कल चलेंगे, आज तो टाइम है नहीं, कल चलेंगे नई शॉर्ट्स सिलवा के लाएंगे। हाँ जी, मैं शॉर्ट्स सिलवाता हूँ, मैं कोई एडिडास नाइकी की शॉर्ट्स नहीं लेता हूँ। कल दिखाऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल चलते हैं जिम। तो घर आके मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी खाई थी और एक रोटी खाई थी और थोड़ा सा सैलड खाया था। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि पनीर मेरा फेवरेट फूड है। अगर मैं बाहर चीट डे पर जाता हूँ तो पनीर पसंदा हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, अब शाही पनीर हो गया, ये सब मेरे फेवरेट चीट डे मील्स हैं। और अगर मैं घर पे हूँ तो प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए मैं कच्चा पनीर भी खा लेता हूँ। तो क्योंकि डेयरी ही मेरा मेन रिसोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि मैं नॉनवेज और अंडे नहीं खाता हूँ। अभी मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा यहीं से इस वीलॉग को एंड कर देना बेटर रहेगा। रही बात फास्टिंग की, तो जिस तरीके से आप हफ्ते में एक बार ज़रूर रेस्ट ले लेते हैं, 6 दिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, 1 दिन आपका रेस्ट होता है, उसी हिसाब से सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आपको फास्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो आपका गट है वो 24 घंटे काम करता है, पूरे हफ्ते में 7 दिन काम करता है, पूरे 30 दिन काम करता है महीने में, और 365 दिन पूरे साल भर ही काम करता रहता है। कई लोग तो पूरे साल भर में एक भी फास्ट नहीं रखते। तो अगर आप सर्टेन इंटरवल पे हफ्ते में, नहीं तो 2 हफ्ते में, नहीं तो महीने में एक बार अगर आप फास्ट रखेंगे तो आपका जो स्टमक है वो हेल्दी रहेगा। ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कम्पीट करते हैं, क्योंकि उनको तो गेनिंग करनी होती है, रोज़ उनको खाना ज़रूरी होता है। लेकिन एक नॉर्मल वेलबींग की अगर बात करूँ तो आपको फास्टिंग ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे कल नेक्स्ट वीलॉग में।